useless. I give you scrap up my caca. The very next day, you boom boom brrr, boom. This year. तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट टू, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड पावर। अब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट पावर की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ऑर्डर और पावर हम कैसे निकालते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर हमने इसके बारे में बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण यदि इन रूपों के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसे सोल्व करके आसानी से उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकें, ठीक है, मतलब कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण ऐसे रूप में हो जिनमें चर पृथक किए जा सकें, तो हम उसे सोल्व करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण यदि समघात समीकरण के रूप में हो तो हम उसे सोल्व करके आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आगे इन सभी रूपों के अंदर हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम पहला है कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हम कैसे तो वे समीकरण जिनमें dx का गुणांक केवल x का फलन हो तथा dy का गुणांक केवल y का फलन हो, मतलब कि f1x into dx plus f2y into dy बराबर 0, मतलब कि कोई भी प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण इस रूप में यदि हमें मिलता है तो हम उसे इस नीचे दिए गए मेथड से सोल्व करके उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि हमें इस फॉर्म में कोई भी अवकल समीकरण मिलता है तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों इस पूरी इक्वेशन को dx से हम डिवाइड करते हैं, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, ये f1x plus f2y dy by dx equal to 0। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो ये क्या हो गया, f1x dx plus f2y dy upon dx into dx बराबर 0 dx, dx से dx कैंसिल हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, f1x dx plus f2y dy बराबर 0 का समाकलन 0 प्लस कोई कॉन्स्टेंट c, और ये हमारे पास इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये निकल के आता है, यही हमारा इक्वेशन 1 का आंसर है, ये इक्वेशन 1 का हल कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये कोई भी यदि प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण हमें इस रूप में चर पृथक्करण रूप में हमें मिलता है तो हम उसे निम्न प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे सामने, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बराबर 0। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें सबसे पहले इसे चर पृथक्करण रूप में हमें इसे लाना पड़ेगा, मतलब कि dx के गुणा में केवल x का फलन और dy के गुणा में केवल y का फलन होना चाहिए, तो ही हम इसका चर पृथक्करण कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि dx के गुणा में x का फलन है और dy के गुणा में y का फलन है, तो हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया हमने, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस यहाँ से y कॉमन ले लिया x स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि dx से गुणा में केवल x का फलन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 1 हट जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो इसके नीचे क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर 0, यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या निकल के है, एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना है कि डी वाई की गुणा में केवल y का फलन होना चाहिए, x का फलन नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा इधर, और यहाँ पर केवल डी वाई की गुणा में y का फलन बचेगा और dx के गुणा में x का फलन आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस वन और ऊपर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बराबर ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर वन कट गया तो ये क्या बचा हमारे पास, इक्वेशन क्या निकल के आई, एक्स डी एक्स अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई डी वाई अपोन वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर ज़ीरो। तो ये हमारे पास चर प्रथक्करण की फॉर्म आ गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चर अलग अलग हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डी एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास में, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वाई अपोन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर ठीक है। तो अब हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये क्या हो गया, x dx एक्स अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये क्या हो गया y अपोन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर ज़ीरो इंटू डी एक्स ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं, इसके लिए तो क्या मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, और इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पर इससे कट जाएगा ठीक है, इसके लिए क्या मान लेते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू पी ठीक है माना। अब यहाँ पर हम अवकलन कर दिया है टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू। यहाँ पर करेंगे टू वाई डी वाई बराबर डी पी और वाई डी वाई बराबर डी पी बाई टू ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो x dx की वैल्यू तो होगी dt बाई टू और नीचे क्या बचा t, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर t ठीक है। आगे ये क्या हो गया, y dy की वैल्यू तो हो गई dp बाई टू और y स्क्वायर प्लस वन बराबर p मान लिया हमने ठीक है। तो और बराबर जीरो डी एक्स से क्या होगा, जीरो तो समाकलन किया प्लस इसके साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या लेंगे हम यहाँ पर, लॉग सी। अब आप बोलोगे लॉग सी क्यों लिया, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इनका समाकलन करेंगे तो लॉग में वैल्यू निकल कर आएगी। तो यदि हम चर को भी लॉग में ले लेते हैं तो सोल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो आप भी ध्यान रखना, अगर इधर लॉग बन रहे हो तो आप कांस्टेंट को लॉग सी ले सकते हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होने से हम बच जाएंगे क्वेश्चन को ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वन बाई टू कॉमन, तो वन बाई टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी हो जाएगा ठीक है, और वन बाई पी का हो जाएगा लॉग पी बराबर ये हो गया लॉग सी बराबर टू उधर चला जाएगा, और ये लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग टी पी बराबर टू लॉग सी ठीक है। अब लॉग टी पी इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग टी पी बराबर लॉग सी स्क्वायर। अब लॉग से लॉग हट जाएगा और इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहीं कर देता हूँ मैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग से लॉग हट जाएगा तो टी पी बराबर सी स्क्वायर ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉग टी पी बराबर लॉग सी स्क्वायर है, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा ठीक है, तो टी पी बराबर सी स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, t और p की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, तो t की वैल्यू तो क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और p की 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, यस का आंसर आ गया। तो हम प्रथम कोटि और प्रथम घात का कोई भी अवकल समीकरण यदि चर प्रथक्करण रूप में हो तो उसे इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं ठीक है।